নমস্কার, আপনারা দেখছেন উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিমের লিডিং এবং নাম্বার ওয়ান এসকেলাইভ চ্যানেল। আপনার সময়, আপনার খবর। বুধবার চোপড়ার প্রচার সভার মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সানিয়েছিলেন কংগ্রেসকে। বলেছিলেন, জঙ্গিপুরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির ছেলে আরএসএস এর মদত পুষ্ট এবং এরাজ্যের কংগ্রেসকেও সাহায্য করছে আরএসএস। इधर में भी आरएसएस मदद करते हैं जब कांग्रेस का उम्मीदवार है। आप क्या चाहते हैं कि आरएसएस को मदद करना? पहले आरएसएस क्या था, कहते थे हाफ पैंट पर के पैरेड करते थे, और अभी रुपया लेकर बड़ा बड़ा क्या बन गया, नोटबंदी का बाद पूरा लूट लिया पूरा। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষের পাল্টা জবাব দিলেন শিলিগুড়ির পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত। আজ রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন, নির্বাচন নিয়ে কি বলছেন তিনি শুনবো। আজকে তো পহলে দফা ভোট হো রা হয়, এসএসএ ভোট কি শুরুয়াত কি পহলি সেই বিজেপি ও তৃণমূল নে কোচবিহার দিনহাটা মাথা ভাঙা মে উন লোগো কা তো ধুমধাম শুরু হো গিয়া, উ লোগো নে ঝগড়নে লাগা, মারপিট শুরু হো গিয়া। ऐसे में तो वोट चलते नहीं, जो केंद्रीय वाहिनी है उपस्थित वो भी कुछ देखते नहीं, दिखने से पुलिस को साथ उसको क्या तालमेल आए। वो शासक दल और बीजेपी ने मिल कर ही ऐसा कर रहे हैं कि जो और कोई दल है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उनको जो एजेंट है वो लोगों को भी ये लोग भड़काते हैं जो कोई कांग्रेस को वोट ना दे। तो इसमें हम लोगों को बढ़ता है जी आप वोट चुपचाप दीजिए कि वोट आपके गणतांत्रिक अधिकार है, ये वोट आपके है, बाहर से जो बोले आपको जो वोट है कोई भड़काता है कि आपको वोट, हम लोग को पता चल जाएगा कि आप किसी को वोट देते हैं, लेकिन वो कभी होता नहीं। तो इसलिए हम लोग को बढ़ता है कि आप जो हमारे प्रार्थी को वोट देते चाहते हैं आप जाइए, आप चुपचाप आपको वोट हमारा चिन्ह में आप दीजिए कि जो भी को आप समझता है इनको वोट देना चाहिए, वोट ठीक से देना चाहिए। उन्नयन मंत्री रविंद्रनाथ घोष उन्होंने आज एक वाहिनी के साथ जैसे जिस तरीके से जिस लेवल से बात कर रहा था ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन अन्य वाहिनी तो कुछ नहीं किया है। हमारे कोई ये हमारे कोई होते तो मुश्किल हो जाते। तो केंद्रीय वाहिनी पुलिस का रविंद्रनाथ घोष तृणमूल का दीदी और मोदी का तो भाव है, ये तो सब जानते ही है। आप वोट के पहले दफा में देखा जाता है कि वो लोग को क्या क्या है, उसमें गठबंधन है, पहले भी था अभी भी है भविष्य में भी होगा। दीदी और काल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जो भाषण में जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनका को लेकर जो कोटा पूछिए, इसका क्या मैसेज है? एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये तो बहुत खराब लगा हम लोगों को, क्योंकि प्रणब मुखर्जी के पास ममता बनर्जी इतना बार गए, इतने बार गए, जब अर्थमंत्री थे जब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी उनको लड़की समान देखते हैं, वो अब तक तो पिता पिता कहते थे। आप काल झका हम लोग तीव्र इसको धिक्कर जाना रहे हो कि ये होना नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री कैसे कैसे थे कांग्रेस के लड़ते हैं, राहुल गांधी जी ने लड़ते हैं सारा भारत में, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, प्रणब मुखर्जी भी लड़ते हैं, तो कैसे वो बोल सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी को नाम लेकर, पिता को नाम लेकर, बाप माँ उठाकर एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये भाषण सही नहीं लगा। वो जो हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी है जो शिक्षित मानस है हर कोई इसको धिक्कार जनाते हैं, कहते हैं अच्छी ये होना नहीं चाहिए था और ऐसा हुआ ही नहीं। अभिजीत ऐसे जीतेगा, अधीर ऐसे जीतेगा, आरएसएस का कोई मदद नहीं चाहिए हम लोगों का, अकेला जीत सकते हैं वो लोग। हम लोग लड़ रही है, शंकर मालाकर जीतेंगे, ये जातीय कांग्रेस की प्रार्थी है, एक ही प्रार्थी है समतल के लिए, अच्छा है उनको जो ऐसा है कि उनको जो कांटेक्ट है मास कांटेक्ट है गांव से शुरू करके शहर तक पहाड़ तक सबको जानता है। ये 1800 जो हमारे इतना बूथ है वो एक ही कैंडिडेट है, संकल मार का रोही कह सकता है कहाँ कौन कर्मी है, लेकिन देखिए बीस्ट के लिए उन लोगों का नेता नहीं कहते हैं, जो हमारे अमर सिंह के लिए उसको नेता मंत्री उनको साथ घूमते हैं, वो जो सीपीएम के है समन पार्टी के साथ मेयर उनको जनरल सेक्रेटरी घूमता है, लेकिन शंकर मालाकर एक सबको संभाल नहीं सकता है। शंकर मालाकर एक ही वो लीडर भी है, वो प्रार्थी भी है, खुद की बात खुद ही कह सकते हैं। तो हम लोग शंकर के साथ है,
बुद्धिजीवी, हम सब शंकर के साथ है, शंकर जीतेंगे। जो बंगाल में भी एनआरसी का चालू किया जाएगा, एनआरसी के बारे में आप क्या? देखिए, ऐसा है कि कुछ आदमी बाहर से है तो जो है वैसे, लेकिन सबको वो एक ही लाइन में वो हटा देते हैं। असम में जो हुआ ये बंगाल में होने से तो हम लोग भी विरोध करेंगे उसके। यूपी जनरल स्टोर ऑफर्स देयर कस्टमर्स कंप्लीट सेट ऑफ होम एंड ऑफिस फर्नीचर अलोंग विद सॉल्यूशंस फॉर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वी हैव आवर ओन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वाइड रेंज ऑफ कलरफुल चेयर्स एंड ड्रॉअर्स। Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sehwag Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. Namaskar. पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं, कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं, उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sehwag Road, Siliguri. For inquiry, call 97334141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 9933333401। আজ এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে জানতে নজর রাখুন এসকে লাইভে আপনার সময় আপনার খবর।